दोस्तों टेक्निकल प्रेजेंट में आपका स्वागत है और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग टेक न्यूज की अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। तो पहली खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे सैमसंग से कि दोस्तों जो सैमसंग का अपकमिंग गैलेक्सी M51 वाला स्मार्टफोन है, जी हाँ दोस्तों इसके बारे में मैंने अपने पिछले टेक न्यूज में भी बहुत सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर किए हैं और आज दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है फाइनली GCF सर्टिफिकेशन के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों अगर हम इस GCF सर्टिफिकेशन की माने तो आपको ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगी। और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इस स्मार्टफोन में एक स्नैपड्रैगन 730 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इस स्मार्टफोन में 8GB की रैम मिलेगी 25W फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। साथ ही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में 64MP की क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगी। तो देखते हैं आखिर दोस्तों इसके बारे में और क्या खास डिटेल्स वगैरह निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों क्या आप इस गैलेक्सी M51 वाले स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज की दूसरी टेक न्यूज की ओर जो कि निकल के आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से कि दोस्तों इन्फिनिक्स का एक नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 10 फाइनली दोस्तों आज गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों अगर गूगल प्ले कंसोल की माने तो आपको इस स्मार्टफोन में एक मीडियाटेक हीलियो G70 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगी। तो देखते हैं आखिर दोस्तों इसके बारे में इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या खास निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों क्या आप इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन यूज करने में इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों यहाँ पे HTC की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों HTC का जो Wildfire E2 वाला स्मार्टफोन है ये दोस्तों फाइनली आज लॉन्च हो चुका है। और इस स्मार्टफोन की बात करें तो आपको इस स्मार्टफोन में एक हीलियो का P22 वाला प्रोसेसर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों सिर्फ नाम ही इसका वाइल्ड था, कोई वाइल्ड प्रोसेसर या कुछ भी देखने को नहीं मिली। ये दोस्तों एक्चुअली जो HTC फैन है उसके लिए बुरी खबर है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों ये करीब $138 के आसपास लॉन्च हुआ है। अगर हम इसको इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो करीब 10,000 के आसपास आता है। तो देखते हैं आखिर दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये हमें इंडिया में देखने को मिलती है कि नहीं, जो लॉन्च वगैरह है इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ डिटेल्स वगैरह पता चली मैं आपको आने वाले टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों क्या आप HTC के फोन यूज करने में इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों लगे हाथ यहाँ पे Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है कि दोस्तों Xiaomi अपना नया मास्टर सीरीज का टीवी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों आपको शायद 11th August में Xiaomi की तरफ से मास्टर सीरीज वाली टीवी लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। और रूमर ऐसी बताती है कि ये जो Xiaomi की तरफ से मास्टर सीरीज ऑफ टीवी होने वाली है उसमें आपको अप टू 120Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। तो देखते हैं आखिर दोस्तों इसके बारे में और क्या डिटेल्स वगैरह निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों क्या आप इस Xiaomi के मास्टर सीरीज वाले टीवी के लिए इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों यहाँ पे IQ की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों जो IQ का अपकमिंग 5 सीरीज वाला स्मार्टफोन है, जी हाँ दोस्तों आपको IQ के 5 सीरीज में दो स्मार्टफोन देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले बात करती है जो IQ का 5 प्रो वाला स्मार्टफोन है ये दोस्तों फाइनली HTC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों और ऐसी डिटेल्स निकल के आ रही है कि जो IQ का 5 प्रो वाला स्मार्टफोन होगा उसमें आपको 120W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों जो आपको IQ 5 वाला स्मार्टफोन आने वाला है उसमें शायद आपको 65 या 60W की चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं आखिर दोस्तों ये जो IQ 5 वाला सीरीज है इसके बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों क्या आप IQ के स्मार्टफोन यूज करने में इंटरेस्टेड हो या बाय करने में इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों बढ़ते हमारे आज की आखिरी टेक न्यूज की ओर जो कि निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से कि दोस्तों जो रियलमी का अपकमिंग रियलमी C12 एंड C15 वाला स्मार्टफोन है ये दोस्तों ऑफिशियली आज रियलमी की तरफ से कंफर्म हो चुकी है कि ये स्मार्टफोन हमें जल्दी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों रियलमी की तरफ से आज ट्विटर पे इसके बारे में ट्वीट वगैरह आए थे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों कौन कौन इस रियलमी के C12 और C15 वाले स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।